आपके सामने नान रोटी रेसिपी बनाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नान रोटी बनाने के लिए पहले हम डो बनाएंगे, इसीलिए मैंने 1/4 कप जो कि ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। देन मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। देन मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करूंगी। देन मैंने ऑल ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देन मैंने 1/2 कप योगर्ट ऐड किया, ऑयल अराउंड 2 टेबल स्पून। देन मैंने इसको मिक्स कर दूंगी। देन मैंने यहाँ पर ऐसे मैं उंगली डाल सकूं, थोड़ी सी जैसे कि लुकवॉर्म वाटर होती है, लुकवॉर्म वाटर मिलाऊंगी और इसको मैं एक अच्छा सा परफेक्ट डो बनाऊंगी। ये नान रोटी का डो बनकर रेडी हो गया। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है ताकि मेरे हाथ में चिपके, और बहुत टाइट भी नहीं हुआ। थोड़ी सी ऑयल लगा के मैंने इस नान रोटी को कवर करके किचन में ही 1 to 2 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी बनती है। और मैंने यहाँ पर चॉप कोरिएंडर लीव्स, 2-3 स्पून अराउंड घी लिया हूँ, और ये ब्लैक क्यूमिन सीड मैंने लिया हूँ। ब्लैक क्यूमिन सीड्स और चॉप कोरिएंडर लीव्स मैंने नान रोटी के ऊपर स्प्रेड करने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने जो नान रोटी कवर करके रखी थी वो आप देख सकती है, कितना स्पॉन्जी और कितना परफेक्ट डो बना जैसे मुझे चाहिए। मैंने इस डो को बस 2 से 3 स्ट्रोक अच्छे से हाथ में लगा लिया, देन में रोटी बनाऊंगी। बड़ा वाला डो बनाऊंगी, एक एक डो ऐसे बनेगा। नान रोटी के ऊपर से ब्लैक क्यूमिन सीड्स स्प्रेड करूंगी। देन मैं रोलिंग पिन लिया और मैं इसको एक रोटी की शेप दूंगा। मैंने यहाँ पर ब्लैक क्यूमिन सीड यूज किया। ये ब्लैक क्यूमिन सीड्स की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, आप चाहे तो सीसम सीड्स यूज कर सकती है, उससे भी एक बहुत अच्छा सा स्मेल आएगी। आप जो चाहे यूज कर सकती है। मैंने एक तावा लिया, ये मेरा आयरन का है। अब मैं नान रोटी को इसमें सेकूंगी। इसी तरह मैंने सब रोटी को बना लूंगी। देन ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया। बस आप नान रोटी को बहुत पतली मत बनाइए, थोड़ा सा थिक बनाइए। आप देख सकती है ऐसे ही बनाइए, थिक बनाइए, ताकि जब इसको तावे में सेकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नान रोटी अंदर से कुक होगा तब ये ऊपर ये बबल्स बबल्स आ जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि ये अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो गया। आग में सेक लूंगा। आप देख सकती है ये गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट कर दिया, और भी थोड़ा सा मुझे गोल्डन ब्राउन चाहिए जैसे कि तंदूर में बनती है, सेम मुझे तंदूर वाला ही चाहिए, इसलिए मैंने और भी थोड़ा सा सेक लूंगी, इसमें से निकल लूंगी और
देख सकती है गाइस ये कितना सॉफ्ट बना है, मैं एक हाथों से तोड़ के आपको दिखाती हूँ। एक दही अचार, चिकन, आलू का सब्जी किसी भी बना है फॉलो कर एक घर में जरूर एक बार ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा बनती है।